हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल इंडियन प्लेटफॉर्म है, बहुत दिनों से ऑनलाइन टीचिंग में, ऑफलाइन टीचिंग में बहुत दिनों से काम कर रहा है, इंडियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म की अच्छी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इससे आप ऑफलाइन टीचिंग ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन टीचिंग ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया के किसी भी कोने के स्टूडेंट्स को किसी भी कोने में हम बैठकर ऑनलाइन टीचिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन टीचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपके घर आ सकते हैं या फिर आप स्टूडेंट्स के घर जा सकते हैं, ठीक है। ये सब जो प्रायोरिटीज है वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा उस हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपके प्रोफाइल बनाते हो ना, तो यहाँ पे आपको अपने एरिया के या फिर अपने सिटी के या फिर ऑल ओवर द इंडिया ये सब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। सो इसी प्लेटफॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे हमें पेमेंट कितना मिलेगा, पेमेंट कैसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे हमें सिखाने को, ठीक है। हम यहाँ पे सिखाएंगे कैसे, सब कुछ इस प्लेटफॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जो कि एक बेसिकली ऐप है, ठीक है, जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन सब रजिस्ट्रेशन के बाद, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है अर्बन प्रो। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार इस यूट्यूब पे इसके बारे में सुना होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोल देता हूँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने एंड तक जरूर देखा ना, तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो एक अर्बन प्रो एक ऑनलाइन ई लर्निंग में काम करता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ट्यूटर को ढूंढते रहते हैं और ट्यूटर्स को भी स्टूडेंट्स आसानी से यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो बेसिक प्रोसेस है वो मैं मेरे मोबाइल में आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर बात करें पेमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट मंथली नहीं मिलता है, यहाँ पे जो पेमेंट होती है वो पर आर के हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट ले सकते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ क्वाइंस यहाँ पे स्पेंड करने होते हैं, उस क्वाइंस आपको पहले बाय करने होते, खरीद लेने होते, ठीक है। अब एक क्वाइंस की कीमत क्या होती है मैं आपको आगे जाके मेरे मोबाइल पे आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर वो क्वाइंस आप स्पेंड करते तो ही आप स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सकते, आपका कॉन्टेक्ट नंबर स्टूडेंट्स के पास जाएगा और स्टूडेंट्स का जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। ओनली वेन वी आर स्पेंड द क्वाइंस, सपोज क्वाइन कितने भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 100 क्वाइंस हो सकते हैं, जो भी क्वाइंस हो सकते हैं, एक क्वाइंस की कीमत मैं आपको यहाँ पे बताने वाला, और वो परचेस कैसे करने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। लेकिन और एक बात, अगर आप यहाँ पे कुछ क्वाइंस स्पेंड करके स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, तो एक मतलब एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट माना जाएगा कि अगर स्टूडेंट्स ने आपके अप्रोच किया, आपने क्वाइंस स्पेंड किए, तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास नहीं आता है तो आपके क्वाइंस वेस्ट जा सकते, ठीक है। यही एक निगेटिव पॉइंट है, बाकी सब आप ऐसा तो ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो गया तो आपके क्वाइंस मतलब वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, एक बिल्कुल जनरल प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलते ही मिलते ऑनलाइन टीचिंग के लिए आप यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और एक दोस्तों, अगर आप फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करने से एंड तक मैं आपको सारे प्रोसेस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, वहां से जाके उस लिंक पे जाके आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे पूरे रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट कौन से मिलेंगे, अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे पेमेंट कैसे मिलेगी, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, सो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको लिंक प्रोवाइड किया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे एज ए ट्यूटर रजिस्टर करना है। सो आपको यहाँ पे जो तीन डॉट्स दिख रहे वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे साइन अप एज ए ट्यूटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल है या फिर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे
अगर आपके पास आपके खुद के इंस्टीट्यूट के भी कोई स्टूडेंट्स है तो आप यहाँ पे उन बच्चों को सिखा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया या फिर कोई अदर स्टूडेंट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे अपने कॉइन स्पेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो एज ए मैं यहाँ पे आई एम इंडिविजुअल पे क्लिक कर देता हूँ और ये सब इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस है और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, सब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर भर के आपको प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो एकदम सही से भर देना है और अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे सही से भर देना है, क्योंकि इस अपने मोबाइल नंबर पे अपना ओटीपी आने वाला है और बाद में हमें अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे मतलब वेरीफाई कर देना है। सो ये आप सही से भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने पहला प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब कुछ भर दिया है। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट प्रोफाइल करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपको एक जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है वहाँ पे एक ओटीपी आ जाएगा। सो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देखिए ओटीपी आ गया 8907 48 8907 48, ओके। और आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद देखिए आपके तीन स्टेप आपके सामने आ जाएंगे। सो एक 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 स्टेप आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। अब सिंपल यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और तमिल लैंग्वेज के आपको प्रोफिशिएंसी यहाँ पे ऐड कर देना है। सिंपल आपको क्या करना है, इंग्लिश पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप प्रोफिशिएंट है, बेसिक है, आपका मदर टंग है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चार लैंग्वेज में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और तमिल। अब यहाँ पे देखिए आपको अपनी डिग्री कौन सी है, आप कौन से बोर्ड को सिखाना चाहते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, IGCSE, NIOS या फिर एस कोई भी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप फर्स्ट क्लास से लेकर MSc तक या फिर कोई भी जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो सब की यहाँ पे आप क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप आई कैन टीच लाइव ऑनलाइन यूजिंग वीडियो कॉल्स, मतलब आपको यहाँ पे जूम से या फिर गूगल मीट से आपको यहाँ पे क्लासेस लेने, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, आप कौन सी क्लास बोर्ड को सीखना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आई कैन टीच आर स्टूडेंट्स हो, मतलब आप कौन सा ऑप्शन आपके लिए कन्वीनियंट है, ठीक है। आप स्टूडेंट के घर जाके सीखना चाहते हैं या स्टूडेंट्स आपके, फिलहाल तो कोरोना की वजह से ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन से आपको मिलेंगे, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे जरूर होगा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको आप स्टूडेंट्स को पर आवर कितना चार्ज करेंगे वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टिपिकली ट्यूटर चार्ज 300 to 500 पर आवर क्लास ऑफ, मतलब 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हर कोई ट्यूटर आप मिनिमम 300 और मैक्सिमम 500 रुपए यहाँ पे ले लेता है। सो अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पे मिनिमम से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए सब। तो जब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट क्लियर करेंगे तो आपके सामने सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपका जो बैकग्राउंड है और आपका एक्सपीरियंस उसके बारे में आपको 25 words में यहाँ पे बता देना है, ठीक है। 25 words पे जब आप यहाँ पे बता देंगे तो सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो मैं यहाँ पे भर के आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर दिया है। सेकंड स्टेप कंप्लीट करने का, सेकंड स्टेप में आपको मिनिमम है ना तो 25 words तक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप आएगा आपका, एक अपना एक अच्छा खासा प्रोफाइल फोटो देना है और ये आप बाद में भी कर सकते, ठीक है। अगर आपको देना है तो दे दीजिए, वरना बाद में भी दे सकते। यहाँ पे मैं आई डू इट लेटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ गाइडलाइंस है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके बेकम एंड अर्बन पो पार्टनर पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ए वाला, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, अगर आपको स्टूडेंट्स चाहिए आपके क्लास के अलावा और भी, मतलब ऑल इंडिया से कोई स्टूडेंट्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे 1000 अर्बन प्रो कॉइन्स आपको यहाँ पे बाय करने पड़ेंगे। अगर आप बाय नहीं करेंगे तो आप सिर्फ आपके पास अभी जो फिलहाल जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उनको ही आप सिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया से अगर स्टूडेंट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे कॉइन्स बाय करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1000 अर्बन प्रो कॉइन्स आपको 590 rupees में मिल जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पे एक कॉइन्स लगभग 60 paise में यहाँ पे एक कॉइन्स मिल जाएगा, ठीक है। अब कॉइन्स कैसे स्पेंड करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप कॉइन्स यहाँ पे परचेस करना चाहते हो, सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और पे नाउ पे क्लिक कीजिए। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ से आप उनको पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे कुछ टीचर्स है, ट्यूटर्स है, इन्हें छोड़िए, मतलब एडवर्टाइजमेंट का भाग है, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाएंगे पे नाउ करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कोई मतलब ऑप्शनल है, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। कंटिन्यू आई डू नीड अर्बन प्रो कॉइन्स, ओके, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कौन सा भी एक लीजिए, सबमिट कीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए आपके क्लास, यहाँ पे आपको एक डेमो क्लास यहाँ पे अपलोड करना है। सो आपके डेमो क्लास में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स चाहिए आपको, आपको यहाँ पे डेमो क्लास का मतलब एक स्केड्यूल फिक्स कर देना है, ठीक है। मैं एज रैंडमली यहाँ पे क्लिक कर देना, वी सजेस्ट दैट यू प्रोवाइड इनफ डेमो स्लॉट्स, ओके। अब यहाँ पे मैंने 12 AM to 1 AM, ओके, मतलब यहाँ पे मैंने सुबह सेव चेंजेस पे कर देता हूँ, ओके। नाइट टाइम पे अलाउड नहीं करता है, सो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक ए आई विल, ये आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये करने के बाद आपको एक सीधा मतलब आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको लेके जाएगा, ठीक, ओके। ये खुल गया है अपना डैशबोर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना एक मेरे मोबाइल में आपको यहाँ पे आगे की प्रोसेस यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना एक पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स है उनको अपनी ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे देखिए, इन लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 19 इंक्वायरीज यहाँ पे आई है, ठीक है। सो आपको अगर इनको रिक्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे कौन सा भी, सपोज मुझे इसे क्लिक करना है ऐसे, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब इनको देखिए, क्लास 12 की ट्यूशन चाहिए, हैदराबाद की स्टूडेंट से, और यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री चाहिए, और इनका बजट देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको बजट दिख जाएगा 260 पर आ रहे। अगर आप कंफर्टेबल है तो यहाँ पे आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे टोटल 77 कॉइन्स रिक्वायर्ड, मतलब हमें यहाँ पे 77 कॉइन्स यहाँ पे स्पेंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने कुछ भी पॉइंट्स बाय नहीं किए, तो सबसे पहले इनको इंक्वायरी भेजने के लिए, रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें सबसे पहले कॉइन्स यहाँ पे कलेक्ट करने होंगे। सो जब आप बाय कॉइन्स, जब आप कॉइन्स बाय करेंगे ना, जब आपके पास कॉइन्स होंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन आता है आपको मोबाइल नंबर डालने का, ठीक है। मोबाइल नंबर डालिए या फिर अप्लाई का कुछ ऑप्शन आएगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके अकाउंट से 77 कॉइन्स आपको यहाँ पे कट हो जाएंगे, ठीक है। जब आप कॉइन्स कट हो जाएगी तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो स्टूडेंट्स के पास जाएगा, और स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर आपके पास आ जाएगा, आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और इसके आगे का काम आप फोन पे या फिर वाया मेल या फिर वाया व्हाट्सएप जो भी है वो आप कर सकते हैं, और अपने ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे ऐड मतलब शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं हम अपना बैंक अकाउंट नंबर कैसे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स पेमेंट का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको आएगा, यहाँ पे देखिए अकाउंट ट्रांसफर का यहाँ पे आ जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट से आपको यहाँ पे एनरोल किया है वो उनका जो फीस है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके बैंक का नाम दिखाई डालना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और वेरीफाई आपको IFSC कोड वेरीफाई कर देना है। जब आप यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तब स्टूडेंट्स डायरेक्टली आपके अकाउंट में ये जो पूरा अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे देखिए, प्राइसिंग मतलब आपने जो प्राइस सेट किया है ना 300 पर आर, वो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, और जितना चाहिए आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब रिव्यू योर रैंकिंग, मतलब आप कुछ ऑनलाइन डेमो ऑनलाइन टीचर ट्यूशन लेते तो स्टूडेंट्स आपको रैंक करते हैं, मतलब कुछ स्टार्स देते हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रैंकिंग यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल कॉन्टैक्टेड, मतलब जिस भी स्टूडेंट्स ने आपने कांटेक्ट किया है वो सब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिस्टेड होंगे। डेमोज मतलब आपने डेमो लेक्चर कितने दिए यहाँ पे होंगे, ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो इस प्लेटफॉर्म के बारे में स्टूडेंट्स और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, मैं वहाँ पर आपकी आंसर की क्वेश्चन के आंसर देने की जरूर यहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर पूछेगा। तो इसी वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्लेटफॉर्म से, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।